धनुष टूट गया। अब परशुराम जी महाराज आए, परशुराम जी का शरीर, परशुराम जी का स्वरूप बड़ा विचित्र, ऋषियों का सा स्वरूप और हाथ में शस्त्र, शांत वेश और करनी कठिन। सब लोग डर गए उनके आते ही। अपने पिता का नाम लेकर, अपना नाम लेकर प्रणाम किया, सब एक तरफ होते चले गए। दुष्ट राजाओं के मन में आया कि अब ठीक हुआ काम, हमारा काम परशुराम जी कर देंगे। जनक जी महाराज आए, सीता जी को लेकर उनके चरणों में प्रणाम किया, सीता जी को आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा तुमको संसार में किसी से ही पराजित न होने वाला पति मिलेगा, आशीर्वाद दे दिया। विश्वामित्र जी गए, विश्वामित्र जी ने भी प्रेम से अभिवादन किया, दोनों भाइयों को चरणों में रखते हुए कहा, देखो परशुराम जी महाराज, ये राम लक्ष्मण दशरथ के डोठा है, पुत्र है। अच्छा, दशरथ जी की बेटा हो, राम ही चिता ही रहे थकी लोचन, राम जी को देखते रहे देखते रहे, खूब आशीर्वाद दिया। अब जानते हुए से अनजान बनते हुए पूछते हैं, जनक जी भीड़ किस बात की हुई है भाई, और ये धनुष किसने तोड़ा है? जिसने भी ये धनुष तोड़ा है उसको इस सभा में से अलग कर दो, नहीं तो जहां तक तुम्हारा राज्य उसका उल्टा पुल्टा कर दूंगा, सब राज्य को भ्रष्ट कर दूंगा। सब लोग डरने लग गए, जनक जी भी डरने लग गए। राम जी ने कहा कि नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, महाराज शंकर जी का धनुष तोड़ने वाला कोई एक आपका दास ही होगा। बड़ा विचित्र अर्थ है इसमें, जिसने भी धनुष को तोड़ा है वो आपका तो दास है, लेकिन शंभु का वो नाथ है। तोड़ने वाला कोई मामूली आदमी नहीं है, आपके सामने दास है पर नाथ शंभु, शंभु का वो नाथ है। पहचान लो अब मुझे आज्ञा दीजिए क्या करना है। परशुराम जी को इतना परिचय देने के बाद भी क्रोध के कारण से उनको समझ में नहीं आया कि इनके कहने का अर्थ क्या है। उन्होंने कहा कि आए सेवक वो होता है जो स्वामी के अनुकूल चलता है, स्वामी के प्रतिकूल चलने वाला सेवक होता है वो तो हमारा सहस्रार्जुन के समान महान शत्रु है। तब लक्ष्मण जी को बुरा लगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि ऐसे धनुष हमने बहुत तोड़े हैं बचपन में, कोई हमको टोकने वाला नहीं मिला, आज क्या हो गया आपको महाराज? कैसे बोलता है, अरे तुझे बालक समझ के छोड़ता हूं। लक्ष्मण जी ने कहा, महाराज मैं आपको जनेऊधारी समझ के छोड़ता हूं, आप मुझे बालक समझ के, मैं आपको जनेऊधारी समझ करके, ब्राह्मण समझ करके छोड़ता हूं। क्या बताए, बधे पाप यदि मैं आपको मार दूं तो मुझे पाप लगेगा, और यदि आपसे हार जाऊं तो मेरी अपकीर्ति होगी। ये नहीं कहा कि आप मेरे को मार दोगे, क्यों लक्ष्मण जी मर ही नहीं सकते। लक्ष्मण जी कैसे मरेंगे, भगवान की शक्ति है। तो बधे पाप आपका यदि मैं वध कर दूं तो पाप लगेगा, और अपकीर्ति हारे आपसे हार जाऊं तो अपकीर्ति होगी। हमारा तो महाराज मारत हुपा परी तुम्हारे, यदि आप हमको मारो तो भी आपके पैरों में ही पड़ना पड़ेगा, पर आपका ये व्यवहार अच्छा नहीं है। दोनों में खूब आपस में बातें हुई, बीच बीच में भगवान परशुराम जी का, परशुराम जी को शांत करते थे और लक्ष्मण जी का ही पक्ष लेते थे, क्योंकि यहां लक्ष्मण जी का नाराज होना राम जी को बुरा नहीं लगा। राम जी ने ठीक कहा, उन्होंने कहा देखो महाराज इस बालक का कोई कसूर नहीं है, बालक वचन कर ही नहीं खाना, क्यों बर्रे बालक एक स्वभाव, बर्रे और बालक, बर्रे कौन, ये टांटिया होते हैं, ये अपने आप करके यूं चले जाते हैं, अब इनको छेड़ोगे तो वो वापिस आएगा। आपके पास यूं टांटिया आ गया, वो काला काला भौरा या सफेद करता रहे, आप कुछ मत बोलो चला जाएगा, और आप उसको यूं हटाओगे यूं करोगे वो वापिस आएगा। ऐसे ही बालक है खेल रहा है, उसको छेड़ोगे तो आएगा जाएगा देखेगा दौड़ेगा,
और कुछ मत करो, खेलने दो, कुछ नहीं बोलेगा। तो महाराज टाटिया और बालक तो एक जैसे, तो आप इनको छेड़ते ही नहीं हो, इसको छेड़ते नहीं तो बड़ा अच्छा था। अब अपराध तो मैंने किया है, इसको पर आप कुपित होते हो। परशुराम जी महाराज ने कहा, अच्छा तुमने धनुष तोड़ा है कि महाराज क्षमा करो, मैंने कोई घमंड से नहीं कह रहा हूं, पुराना धनुष था महाराज, अब उठाया था टूट गया, मैं क्या करूं, छुअते ही टूट पिनाक पुराना, छूते ही टूट गया ये तो। पर महाराज आप हमसे हमारा परिचय पूछना चाहते हो तो परिचय बता दे। क्षत्रिय तनु धरी, हमने क्षत्रिय का शरीर ही धारण किया है, हम क्षत्रिय भी नहीं है, हम कुछ भी नहीं है, न ब्राह्मण है, न वैश्य है, न क्षत्रिय है, न शूद्र है, हम कुछ नहीं है, हम वर्णातीत है, हम वर्णनातीत तो है ही, वर्णातीत भी है। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना, कुल कलंक ते पामर आना, और कालो डर नहीं, हमको काल का भी डर नहीं है, क्योंकि हम कालातीत है, हम काल को खा जाए काल हमारा क्या करेगा महाराज। तो सुनी मृदु गूढ़ वचन रघुपति के, वह देखा कालातीत तो भगवान होते हैं, और मर्जी आए जो शरीर धारण करने की क्षमता भगवान में होती है, सामान्य जीव में तो हो नहीं सकती। उघरे पटल परशु धर्मति के, परशुराम जी की बुद्धि खुल गई, अरे मैं किसके सामने बोल रहा हूं, इतने बड़ बोले वचन इनके सामने कहने चाहिए क्या। फिर भी कहा, राम रमापति कर धनु लेहु, खेचऊ मिटे मोर संदेह। महाराज मेरे पास ये धनुष है, श्रीपति धनुष है ये, रमापति, रमापति का धनुष, रमापति माने लक्ष्मीपति विष्णु भगवान, ये लो आप। तो ज्यों ही वो धनुष उतारने लगे तो जैसे आदमी नहीं चलता है पैरों से, ऐसे वो यूं चलने लगा, यूं राम जी वहां, परशुराम जी वहां, वो धनुष यूं जाने लगा। देत चाप और आप ही चली गए हूं, परशुराम मन विस्मय भय, अरे ये परशुराम जी महाराज, राम जी महाराज, जाना राम प्रभाव रे, हमने सुना था कि वो अवतार लेंगे, हमने सुना था वो हमको दर्शन देंगे, ओहो ये भगवान आयो हो, जाना राम प्रभाव, तब पुलक प्रफुल्लित गात, बहुत चरणों में गिर करके प्रार्थना करने लगे, जय रघुवंश बनस बन भानु। नो वार जय बोले या नो वार, क्योंकि नो वार कटु वचन कहे, और बार बार उनको प्रणाम करके वो तपस्या करने के लिए चले गए। देखो जनक जी को अब खुशी हुई है, फिर जनक जी महाराज ने बड़े प्रेम से दूतों को अयोध्या के लिए भेजा। अब ये दूत कहां गए, तो पहुंचे दूत रामपुर पावन, राम जी के पुर में आए, दशरथ जी के पुर में नहीं आए, क्योंकि दशरथ जी के नगर में आते तो ये दूत, इनकी बुद्धि खराब हो जाती। ये राम जी के पुर में आए तो वो पत्रिका लेकर आए, और दशरथ जी ने उनको इनाम दिया, तो इनाम लिया नहीं कि ना महाराज, हमारे यहाँ की बेटी यहाँ आने वाली, उसके लिए हम यहाँ पानी भी पीवे अच्छा नहीं है, हमारे यहाँ की बेटी का हम यहाँ उपहार लेवे, ना 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 ना, ऐसा कभी नहीं होगा। बड़े खुश हुए दशरथ जी, पूछा वो धनुष टूटा तुम वहीं थे क्या, कि हमने हमारी आंखों से देखा, तो हमको पूरा वर्णन करके सुनाओ। तो पूरा वर्णन सुनाते उन्होंने कहा, महाराज धनुष तोड़ा इसका हमें आश्चर्य नहीं है, कोई आश्चर्य नहीं, परंतु सबसे बड़ा आश्चर्य ये हुआ परशुराम जी आए और बड़ा रोष दिखाया, और बहुत भांति तीन आंख दिखाए, देख राम पर राम बल निज धनु दीना, अपना धनु सब देने लगे तो नम्र हो गए वो। ये हमको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या बात है, परशुराम जी महाराज तो स्वयं साक्षात भगवान विष्णु, और इनके सामने कैसे नतमस्तक हो गए, ये आश्चर्य हुआ। अच्छा उसमें तोड़ने वाले कौन कौन थे आए महाराज, क्या बताए, जही कौतुक शिव शैल उठावा, कैलाश पर्वत को यूं गेंद की तरह से उठा उठा के खेलने वाला रावण,
उस सभा के अंदर पराजित हो गया। बड़े खुश हुए दशरथ जी महाराज। फिर दशरथ जी महाराज ने अपने गुरु जी को बुलाकर पत्रिका सब समाचार सुनाए तो गुरु जी खुश होकर कहने लगे, देखो दशरथ जी आप धर्म करते हो ना, इसलिए आपके पास ही अपने आप ही संपत्ति चली आती है। जैसे नदियां स्वतः ही समुद्र में मिलती है, ऐसे ही धर्मशील पुरुष के पास सब सुख संपत्ति चली आती है। चलो अब बारात लेकर के चलो। अब बारात लेकर के चलते हैं। बड़ा उत्साह भरत जी महाराज के मन में। जगह जगह रास्ते साफ करने के लिए पहले ही भेज दिया। बेसर ऊंट वृषभ बहु जब बांती, माने ऊंट है, बैल है, सांड है, चले वस्तु भरी अगुनित भांति, तरह तरह के उठाने वाले जो है उन सब के ऊपर सामान लद दिया और चले। खूब आनंद से चलने लगे। वशिष्ठ जी महाराज रथ पर बैठे, इधर ये दशरथ जी महाराज रथ पर बैठे। बड़ा अच्छा कोलाहल होता और चल रहा हो रहा है। तरह तरह के शकुन होते हैं। लोग कहते हैं शकुनों से क्या होता है, राम जी की बारात आ रही, उसमें शकुन अच्छे अच्छे हो रहे हैं। दाहिनी काग सुखेत सुहावा, कौवा दाहिनी ओर बोलता है, नविले का दर्शन होता है और सुगट सबाल आव बर नारी। ये शगुन तो आजकल कम ही हो रहे हैं कि बच्चे बच्चा माता के गोद में हो और सिर के ऊपर घड़ा हो, घड़ा लेकर के और बालक लेकर के सामने कोई माता आती हो, समझना चाहिए पो 12 और 25, 12 पो और 25 पाओ। सुरभि सुनमुख से, और गाय है वो सामने जो है अपने बछड़े को दूध पिलाती मिल जाए तो समझो पूरा अच्छा शकुन हो गया। तुलसीदास जी महाराज को इन शकुनों का बड़ा विलक्षण ज्ञान, कहने लगे जितने शुभ शकुन हैं वो बारात के अंदर मानो नाचने लग गए। शून्य से व्याव शगुन सब नाचे, सारे शगुन इकट्ठे हो गए। और जनक जी महाराज की सीमा में जब आए, जगह जगह पुल बने हुए, रस्ते बने हुए, बड़ा सुंदर सत्कार हुआ। और इधर पता चला कि बारात आ गई तो अगवानी करने के लिए जनक जी महाराज वगैरह सब आए। यहाँ 304 पर मध्यम विश्राम हुआ।